माता, पुत्र वही बड़भागी होता है जो माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करता है, दोनों को संतुष्ट करता है। मुझे लगता है आज विधाता मेरे अनुकूल है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। उसे राज्य देने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और जहां तक वनगमन का प्रश्न है तो मुझे तो लगता है मेरा कल्याण हो गया। आपके पिताश्री की आज्ञा से मुझे ये सुअवसर मिल रहा है जहां मैं वन में जाऊंगा, ऐसे से ऋषियों दर्शियों और महर्षियों के आशीर्वाद प्राप्त कर सकूंगा, उनके दर्शन कर सकूंगा। माता, मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही कल्याण हो गया। माता, मेरा कल्याण हो गया। फिर राम दशरथ जी से कहे, मैंने आपकी पीड़ा जान ली है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। एक बेटे को लगा कि पिता का मुझ पर विश्वास नहीं था, इसलिए पिता ने अपनी ऐसी हालत कर ली। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से, मतलब मुझ पर आपको यकीन हो जाए कि मैं आपकी बात सदा मानूंगा, चाहे कोई भी आज्ञा हो आपकी, मैं आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके, आपके वचनों की पूर्ति करके अपना जीवन धन्य कर लूंगा। अब मैं माता कौशल्या से विदा मांग कर आता हूं। और राम जी चलती है माता कौशल्या की ओर। श्री राम माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचे और जाकर उनसे कहा, महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन भेज रहे हैं, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। राम जी के मृदु वचन माँ कौशल्या के हृदय में तीखे बाणों के समान लगे। बोली, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, उन्होंने ही तो तुम्हें राज्य देने के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया था, फिर अब ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो वन जाने को कह रहे हैं? और कह गई कहां थी, उसने महाराज को नहीं रोका? राम जी बोले, ये सब माता कहते की इच्छा से ही तो हो रहा है। माता कौशल्या को सारे प्रसंग का पता लगा और वो ठगी सी भूखी सी खड़ी रह गई। बोली, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, मुझे इसका दुख नहीं है, पर तुम्हारे बिना भरत, महाराज और प्रजा को भारी क्लेश होगा। अरे वन बड़ा भाग्यवान है जहां तुम जा रहे हो, और यह अवध, यह बड़ा अभागा है जिसे तुम त्याग रहे हो। जाओ राम, देवता तुम्हारी ऐसे ही रक्षा करें जैसे हमारी पलकें हमारी आंखों की करती हैं। श्री राम ने माता को हृदय से लगा लिया। यह है एक आदर्श माता का आदर्श त्याग, एक आदर्श पत्नी का आदरण, आदर्श उदाहरण, जिसने पति के कहने पर, बल्कि पति ने तो कहा भी नहीं था, पति के निर्देश पर, पति के वचन पर पुत्र के मोह को तिनके की तरह त्याग दिया। मां की बात हुई, अब आते हैं पत्नी पर। सीता जी को पता लगा तो वो भी अनेक तर्क देकर राम जी के साथ ही बन जाने की हट पर अड़ गई। बोली, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि पति के वियोग के समान जगत में और कोई दुख नहीं है। जैसे बिना जल के नदी और बिना जल के बिना जीव के देह, इस प्रकार बिना राम के सीता एक पल भी नहीं रह सकती। प्रभु, मैं आपके वियोग का भीषण दुख नहीं सह पाऊंगी, मुझे साथ ले चलिए। और श्री राम को कहना ही पड़ा, ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। यह है एक आदर्श पत्नी का एक और उदाहरण, जिसके लिए पति, पति का साथ ही सब कुछ है। पति सुख में हो या दुख में हो,
जंगल में हो या महल में हो। पति सेवा से बड़ा नहीं नारी का कोई धर्म, अपने निर्णय से सिया सिखा गई ये मर्म। लक्ष्मण जी ने ये सारे समाचार सुने, जैसा कि उनका स्वभाव है बहुत अधीर हो गए। आए गरजते हुए, भैया अन्याय से हम क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपके नाम की घोषणा हो चुकी है, उस पर महारानी सीता के साथ आप ही विराजेंगे। महाराज दशरथ उनका चहेता भरत आपके सामने हाथ बांधकर क्यों खड़े हुए।